सुप्रभात बच्चों, आज मैं दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण से संबंधित बताऊंगा पद परिचय। पद परिचय कहा किसे जाता है? वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में जितने भी पद आते हैं उन सबों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि शब्द के पांच भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। इतने सारे शब्दों का हम व्याकरणिक परिचय देंगे वाक्य में किसी भी पद का। अब शब्द और पद में अंतर है। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं वह कहलाते हैं शब्द, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में परिणत हो जाते हैं तो वह कहलाता है पद। जैसे गाय एक शब्द है, लेकिन जब हम इसे वाक्य में प्रयुक्त करेंगे गाय घास खाती है, तो यही गाय वहाँ हो जाएगी पद। तो सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पर देखें, आम का देना है पद परिचय। तो सबसे पहले देखना है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय। इन पांचों में ये कौन सा है? आम सबसे पहले हम लिखेंगे संज्ञा। अब संज्ञा का भेद देंगे जातिवाचक, बस इसमें से और दूसरा कोई नहीं होगा। अगर संज्ञा है तो सर्वनाम नहीं, सर्वनाम है तो क्रिया नहीं, क्रिया है तो विशेषण नहीं, विशेषण है तो अव्यय नहीं। अब देखेंगे लिंग और वचन, इसमें से क्या है? पुलिंग, वचन एक वचन है। ये हुआ आम का पद परिचय। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह क्या खा रहा था? अब देखिए वह का पद परिचय करना है तो देखना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है। वह लिखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। एक वचन, पुल्लिंग, ये हुआ वह का पद परिचय। अगला देखेंगे वह गाता है, क्रिया का पद परिचय, गाता है। सबसे पहले लिखेंगे क्रिया। क्रिया में अकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक को कहा जाता है अकर्म और दूसरे को कहा जाता है सकर्म। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो वह क्रिया कहलाती है सकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो वह क्रिया कहलाती है कर्मक। तो यहाँ यह क्रिया अकर्मक है। अब इसके बाद एक वचन या बहुवचन, एक वचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय। अब अगली बार देखते हैं विशेषण का पद परिचय।
मेरी कमीज लाल है। लाल का पद परिचय। सबसे पहले लिखेंगे विशेषण। विशेषण, विशेषण का भेद गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब फिर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन। स्त्री, ये हो गया विशेषण का पद परिचय। अगला है अव्यय। मुख्य बात यह है अव्यय का पद परिचय करने में, सबसे बड़ी बात यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों कहलाते हैं विकारी, परंतु ये अव्यय शब्द कहलाते हैं अविकारी, क्योंकि इसके रूप परिवर्तन नहीं होते हैं। अविकारी शब्द, इसे अविकारी शब्द वे कहलाते हैं जिस शब्द के रूप लिंग, वचन, पुरुष, काल किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं, वह कहलाता है अविकारी। अव्यय का एक नाम अविकारी शब्द भी है। चार शब्द एक तरफ और अव्यय शब्द एक तरफ, चार को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को कहा जाता है विकारी और इसे कहा जाता है अविकारी। तो इस वह तेजी से भाग गया। अब देखिए शब्द है तेजी से अव्यय। अव्यय इसलिए क्योंकि इस पद का रूप बदलता नहीं है, इसीलिए यह कहलाता है अव्यय। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे अव्यय। अव्यय का भेद क्रिया विशेषण। क्योंकि भाग गया यह है क्रिया, इसकी विशेषता इस पद से बताई जा रही है, इसीलिए क्रिया विशेषण अव्यय का एक भेद है। अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होते हैं, एक ही रूप में चुके यह रखता है और अविकारी शब्द है अव्यय है, इसलिए इसमें एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे कहा जाता है पद परिचय। आज बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात अगली बार आपसे हमारी होगी।